हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो हर बार की तरह मैंने आज भी एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ही सही वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के, जो कि बहुत लोगों की बहुत दिक्कत जाती थी, बहुत लोगों को परेशानी आती थी कि मतलब अगर आपका अगर आधार कार्ड है और उसको कैसे वहाँ डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप अपना आधार कार्ड रखना भूल गए हैं तो उसको आप पूरा एज इट इज़ जो बड़ा सा आधार कार्ड आप उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो अगर कहीं शो करना है आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड का नंबर याद है बट आप अपना आधार कार्ड नहीं रखें अपने पास ना मोबाइल में ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड को, कहीं से भी आप मोबाइल से हो चाहे लैपटॉप से हो चाहे पीसी से भी, बिल्कुल 2 मिनट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हमको उसको फोटो कॉपी सबमिट करना पड़ता है, तो वही मैं आज आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का नंबर भी अगर है तो उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, उसको आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड का नंबर याद होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड खो भी गया है और आधार नंबर पता है तो भी आपका आधार कार्ड निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम आज के वीडियो में यही पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा, इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम में। मैं आपके गूगल क्रोम में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा UIDAI, आप भी वही लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिखने स्टार्ट करता हूँ UIDAI, ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन करिएगा। हमारे सामने ये जो लिंक आ रहा है UIDAI, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने कुछ स्टेप को ओपन हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे आना है गेट आधार, जहाँ पे लिखा है उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है कि हमारा जो पेज है ये ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस स्टेप को ओपन होगा मेरे सामने। तो ये हमारे सामने हमारा पेज जो है नए टाइम में वो ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है आधार नंबर। अगर आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको 12 डिजिट का आधार नंबर याद होना चाहिए, और अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आपको इनरोलमेंट आईडी आपको आपने अगर आधार कार्ड के लिए वो अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपके पास EID नंबर है तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप आधार नंबर रखें तो आपको कैसे प्रोसेस आगे बढ़ाना है सब चीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपना आधार नंबर, और यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखने के बाद नीचे आना है कैप्चर वेरिफिकेशन कोड, ये जो लिखा है इसके यहाँ पे आपको लिखना है और सेंड OTP में क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में। तो मैं आपको दिखा रहता हूँ यहाँ पे आके सब प्रोसेस। आपको आई वॉन्ट अ मास्क आधार पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे चेकबॉक्स है, यहाँ पे चेकबॉक्स में आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ स्टेप हो जाएगा, OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे चले जाएगा। ये कुछ सर्वे है, इसको आपको तुरंत रिस्पॉन्स देना है। यहाँ पे 2 टोक सर्वे आपसे पूछा कि आपका रिस्पॉन्स देके वेरीफाई एंड डाउनलोड में क्लिक कर देना है। OTP आपको जो जाएगा वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा ये। तो यहाँ पे आप हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे सामने एक टिक पड़ चुका है और इसमें लिखा है योर इलेक्ट्रिक कॉपी ऑफ आधार विल बी डाउनलोडेड, मतलब मेरा जो वहाँ पे आधार कार्ड का है वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा ई आधार डाउनलोड हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे तो मेरे सामने यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछे तो पासवर्ड यहाँ पे ये देखिए इस टाइप का रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आपका नाम यहाँ पे अनिश वाई कुमार है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1989 है तो आपका स्टार्टिंग का जो वर्ड रहेंगे, आपके नाम के जो स्टार्टिंग जो वर्ड रहेंगे वो कैपिटल लेटर में रहेंगे। जैसे अनिश है तो ANIS अनिश और 1989 आपका डेट ऑफ बर्थ एक साथ रहेगा कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे मैं भी अपना पुट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आधार कार्ड PDF के फॉर्मेट में बिल्कुल क्लियर डाउनलोड हो चुका है। ये हमारा आधार कार्ड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से और करना डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा, हमारे PDF के फॉर्मेट में आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप चाहे तो इसका Ctrl+P करके आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो बहुत उपयोगी रहा होगा आप लोगों के लिए। जिनको जरूरत है उनको शेयर करिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बैनर को क्लिक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन वीडियो लेके आते रहता हूँ। आज के सिर्फ इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।